सोरा से आया हूँ, तो मैं यहाँ पे जो कि बोपी के अपोज में बात करने आया हूँ, क्योंकि जो हमें वो काउंसलिंग का सेकंड राउंड कंडक्ट नहीं कर रहा है। हमारा मेरिट इन लोगों ने 30 रखा है, 30 से कम नहीं जा रहा है मेरिट। लास्ट ईयर भी ये हो रहा है, सीट्स पेंडिंग रह रही है, सीट्स वैकेंट रह रही है, लेकिन ये किसी को वो सीट्स नहीं अलॉट कर रहा है। तो उस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, हम सब यहाँ पे आए हैं इसलिए कि हमारी जो काउंसलिंग का सेकंड राउंड करे और ये INC से एक्सटेंशन मांगे। अगर INC इनसे कह रहा है कि हम सेकंड राउंड आपको दे देंगे, टाइम दे देंगे सेकंड राउंड के लिए, तो ये क्यों नहीं मांग रहे हैं? हम से आए हैं, हम जो इधर सारे स्टूडेंट्स हैं वो BSc नर्सिंग के हैं, हमारी यही डिमांड है कि हमारा सेकंड राउंड कंडक्ट होना चाहिए। और जो हमने बहुत सारे विजिटर्स आज तक JK BOPI ऑफिस किए, वो बोल रहे हैं हम तक कुछ नहीं है। अब जब हमने INC को मेल्स भेजे, वो बोल रहे हैं जब JK BOPI हम पे प्रेस डालेंगे, बोलेंगे कि हमें एक्सटेंशन दो, हम क्यों नहीं दे सकते हैं? स्पेशल एक्सटेंशन आएगा, क्यों नहीं आ सकता है? और जो पिछले साल 1500 प्लस सीट्स वैकेंट रहे, इस साल वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सफ़र कश्मीर के स्टूडेंट्स, खासकर गर्ल्स, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हमें 5 मंथ्स हो गए एग्ज़ाम देते हुए, फिर इन्होंने लास्ट वीक ऑफ अगस्त अपनी काउंसलिंग का शेड्यूल ख़त्म किया, तब से भी 1 मंथ हुआ, क्यों नहीं हो सकता था हमारा राउंड? सेकेंड राउंड आराम से हो सकता था, बट ये सीरियस ही नहीं है, ये हमें मजाक ले रहे हैं। क्यों हम क्यों सड़कों पर आए, खासकर गर्ल्स? हम आज घर पे बर्तन मांज रहे हैं, खाना पका रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों? हम डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, क्यों नहीं मिल सकता है हमें इतने इतने अच्छे पॉइंट्स हैं, जो कि बिलो 30 पॉइंट्स हैं, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और जो मतलब जिनको कम ही पॉइंट्स हैं, वो आज कालजू में बैठे, क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं और हम सड़कों पे आ रहे हैं, ये जस्टिस नहीं है। हमारी यही डिमांड है कि एक्सटेंशन आना चाहिए, कट ऑफ डिक्रीज होना चाहिए, और हमारा जो मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको सारा मिलना चाहिए। ऑलमेंट स्टूडेंट्स हैं जो आज सफर कर रहे हैं, हाँ पूरे JNK में, और प्लीज सेकेंड राउंड कंडक्ट होना चाहिए, हमें एक्सटेंशन मिलना चाहिए, और ये स्टूडेंट्स फिर से यहाँ नहीं आने चाहिए।